अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। एंड ये वीडियो मैं एक कंटिन्यूएशन में बना रहा हूँ। लास्ट मैंने वीडियो इससे मुतल्लिक बनाई थी पाकिस्तान में रिगार्डिंग माई एक्सेप्टेंस ऑफ वीज़ा, तो ये वीडियो उसके बाद की है। एंड नाउ आई हैव रीच फ्रांस और मुझे यहाँ 3 हफ्ते हो चुके हैं, और अब मैं आज आपसे शेयर करना चाहूँगा कि आपने फ्रांस आकर क्या क्या चीज़ें करनी है। और अब मुझे काफ़ी चीज़ों की समझ आ चुकी है, तो आई थिंक इट्स द राइट टाइम टू शेयर इट विद यू। सो सबसे पहले आपने आपका अगर 3 मंथ्स का वीज़ा लगा हुआ है तो आपने ये सारी चीज़ें करनी है। मैं लील में हूँ तो शायद थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट हों, बट ओवरऑल सिमिलर प्रोसीजर्स हैं पूरे फ्रांस में। और इसके अलावा अगर आपका 1 साल का वीज़ा है तो आपके काफ़ी चीज़ें डिफरेंट होंगी, जिसमें आपने वीज़ा मे बी वैलिडेट कराना हो। बट अगर आपका 3 मंथ्स का वीज़ा है तो यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ वीज़ा वैलिडेशन, जिसकी फ़ीस भी होती है, बट 3 मंथ्स के केस में आपने ये नहीं करना। सो ये मुझे मेरी यूनिवर्सिटी की तरफ से उनके इंटरनेशनल ऑफिस ने एक ब्रोशर दिया था। ये है तो फ्रेंच में, बट मैं आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ ये मैं दिखा सकता हूँ। और इसमें सबसे पहले तो आपने इंटरनेशनल हाउस जाना है, जो आपकी यूनिवर्सिटी का डिजिग्नेटेड जगह होगी। वो आप अपने क्लास फेलोज, कोऑर्डिनेटर या किसी से आप पता कर सकते हैं। मेरे केस में सेंट साइमन यूनिवर्सिटी ऑफ लील, सो इसका नाम है मेजॉन इंटरनेशनल। इसके अलावा फ्रांस में जो स्टूडेंट्स होते हैं मेजॉरिटी, उनका ऑनलाइन एक पोर्टल होता है MES सर्विस। ये मेरे ख्याल से गवर्नमेंट का है, तो ये जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं सबका सिमिलर होगा। और ये आपने पाकिस्तान में ही अपने जिस मुल्क से भी आ रहे हैं वहाँ से ही बना चुके होंगे, तो ये दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो सेकेंड स्टेप आपका ये कम्प्लीट हो गया। थर्ड स्टेप है कि आपने एडमिनिस्ट्रेटिव रजिस्ट्रेशन करानी है, ये भी आपकी हो चुकी होगी, जिसका मतलब ये है कि आपका स्टूडेंट कार्ड और स्कूल सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, ये आपके कोऑर्डिनेटर आपके लिए करके देंगे। तो ये बेसिकली थर्ड और फोर्थ स्टेप भी आपका हो चुका होगा। एंड फिफ्थ है आपने अपना ENT बनाना है, तो ऑनलाइन एक पोर्टल है ENT। मे बी आपकी यूनिवर्सिटी में कुछ और हो, बट मेरी यूनिवर्सिटी में ये ENT है, और ENT ये वेबसाइट का एक पोर्टल है जिसमें आपके सारी इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट, सब चीज़ें यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। 6th step है जो है बैंक अकाउंट बनाना फ्रांस में। सो वैसे तो आपको बहुत लोगों ने कहा होगा कि आपको वाइज या रेवलट बनाने के बाद फिजिकल बैंक की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपने काफ से बेनिफिट लेना है फ्रांस में तो आपको एक फिजिकल बैंक अकाउंट चाहिए। अगर नहीं होगा तो आपका नहीं प्रोसेस होगा। सो आपको काफ के लिए ये भी चाहिए होगा, एंड सोशल सिक्योरिटी के लिए भी मेरे ख्याल से चाहिए। आई एम नॉट 100% श्योर, बट यू माइट नीड इट। सो इन एनी केस बैंक अकाउंट आपका हो तो बेहतर है। काफ़ी चीज़ें आपकी इजी हो जाती हैं फ्रांस में इफ़ यू हैव अ फिजिकल बैंक अकाउंट। 7th step आपका है, जिसमें आपने इनका वाईफाई नेटवर्क है उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। अपने स्टूडेंट ID आप कनेक्ट करेंगे, और शहर में आप डिफरेंट जगहों पे जाएंगे, आपका वाईफाई ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। सो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स विच यू कैन डू, एंड ये आते साथ आपने पहले दिन ही कर लें तो ईजी है। मैंने तो MES सर्विसेज से कनेक्ट किया था और मेरा वाईफाई कनेक्ट हो गया था। और देन देयर इज अनदर वन, EDU Roam। सो ये आप अपना स्टूडेंट ईमेल और उसका पासवर्ड इसमें डालेंगे तो ये चल पड़ेगा। एटलीस्ट लील में तो चल रहा है, बाकी शहरों का कुछ और नाम होगा। और फिर आपने जो हाउसिंग है जहां आप रह रहे हैं, या क्रूज है या जो मर्जी है, उसका आपको एक आते साथ ना एक लेटर मिलेगा विद इन फ्यू डेज, या मे बी आने से पहले ही आपके मेल बॉक्स में आया हुआ हो। उस लेटर पे लिखा होगा कि आपका कौन सा रूम नंबर है और आपने फॉर्मली ये रेजिडेंस में आप रह रहे हैं, तो ये भी इंटरनेशनल ऑफिस को लेटर चाहिए होगा। जो आपको पहले कमिटमेंट लेटर या आपको कोई और पेमेंट से रिलेटेड लेटर होगा वो नहीं चाहिए, ये लेटर स्पेसिफिकली मेंशन कर रहा होगा कि आप यहाँ रह रहे हैं। और फिर आप MES सर्विस पे दोबारा जाएंगे और वहाँ आप अपने हाउसिंग अकोमोडेशन वाले सेक्शन में जाके एक और पेपर है वो भी आप डाउनलोड करेंगे। सो ये आपका हो गया। एंड देन सोशल सिक्योरिटी आपका इंटरनेशनल ऑफिस से होगा, और हाउसिंग असिस्टेंस विद काफ ये थर्ड स्टेप है। तो ये सारी चीज़ें आपने इस पेपर के मुताबिक करानी है। सो इस वीडियो में आगे जाकर आप देखेंगे, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आपने अपना रेजिडेंस परमिट कैसे कराना है, नंबर 2 आपने अपना सोशल सिक्योरिटी के लिए क्या करना है, एंड नंबर 3 आपने हाउसिंग असिस्टेंस विद काफ कैसे करना है। तो इस वीडियो में आप आगे देखें और आपको होपफुली आपका प्रोसेस स्मूथ होगा, एंड यू वोंट बी नीडिंग मच, एंड इंशाल्लाह एवरीथिंग विल गो स्मूथ। सो वॉच द वीडियो। हेलो एवरीवन, सो आई एम नियर सिटी साइंटिफिक कैंपस ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ लील, और यहाँ से करीब है मेजॉन इंटरनेशनल, जहाँ से 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें सारे स्टूडेंट्स करवाते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जिनका वीज़ा 3 मंथ्स का लगता है इन फ्रांस।
सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आफ्टर अराइविंग इन फ्रांस टू वैलिडेट योर वीज़ा एंड गेट अ रेजिडेंस परमिट। सो इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगा कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और क्या क्या करना चाहिए इन ऑर्डर टू गेट एवरीथिंग डन इन द गिवन टाइम। तो सबसे पहले आपने रेजिडेंस परमिट के लिए आपने अप्लाई करना होता है, सारी चीज़ें वो लोग खुद करते हैं बट हमें डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं। सो जो मैं चीज़ें मैंने मिस की थी वो मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा ताकि आपका काम एक ही दफ़ा में हो जाए। तो एक तो रेजिडेंस परमिट हो गया, एक सोशल सिक्योरिटी नंबर हो गया और तीसरी चीज़ है आपकी काफ। सो फ्रांस में काफ होता है CAF, इससे आपको रीइंबर्समेंट मिलती है आपकी रेजिडेंस में। सो मैं इस वक्त पे कर रहा हूँ 330 यूरोस फॉर माय क्रूज़ अपार्टमेंट जो आपने पिछली वीडियो में भी देखा। तो अगर मैं काफ के लिए अप्लाई करूँगा तो नवंबर और दिसंबर मेरे आखिरी दो महीने डिफरेंट रेजिडेंस पर आपका डिपेंड करता है बट मतलब काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाता है, रीइंबर्स हो जाता है, आपको कम पे करना पड़ता है। सो खैर कमिंग बैक टू द डॉक्यूमेंट्स, सो डॉक्यूमेंट्स आपको एक तो अपना पासपोर्ट लेके जाना है जिसमें आपका वीज़ा होना चाहिए और आपका स्टूडेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए फ्रेंच में। स्टूडेंट सर्टिफिकेट फ्रेंच में आप अपने कोऑर्डिनेटर से मांग सकते हैं। फिर आपको बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए आपका अपने ओरिजिनल, आपके कंट्री का जहाँ भी आप पैदा हुए हैं, पाकिस्तान में हुए हैं तो पाकिस्तान का यूज़ होगा और इसके साथ साथ फ्रेंच ट्रांसलेटेड भी चाहिए होगा। उसके अलावा जो आपका रेजिडेंस है उसका आपको फाइनल एक डॉक्यूमेंट होता है फ्रेंच में, वो आपको पहुँचने के बाद मिलता है। जो आपको पहले PDF ऑनलाइन मिला था वो वाला नहीं यूज़ होगा, आपको एक ऐसा चाहिए जिसपे ख़ास लिखा हुआ हो कि आपने अराइव आप हो चुके हैं, आप इस रूम नंबर में रह रहे हैं, तो वो वाला इनको चाहिए। इसके अलावा आपको बैंक अकाउंट चाहिए, फिज़िकल बैंक अकाउंट होना चाहिए, वाइज और रेवलट नहीं चलेगा। उनको स्पेसिफिकली फिज़िकल प्रेजेंस जिसकी हो बैंक की वो उसके आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। आपको एक और चीज़ भी चाहिए, फ़ोटो बूथ आपके मेट्रो स्टेशन में होते हैं सारे, 8 यूरोस आपने पे करने हैं और उसमें आपने जाकर अपनी पिक्चर लेनी है। अभी मैं वही करने जा रहा हूँ, सो वो मैं इस वीडियो में भी शेयर कर दूंगा कि क्या क्या ऑप्शंस आपने चूज़ करनी है। सो दिस इज़ फोटो मेकन और इसके अंदर आपने जाना है और इन ऑर्डर टू स्टार्ट मैं इंग्लिश चूज़ कर लेता हूँ, मैं ये चूज़ करूँगा ई फोटो के बाद मैंने ये चूज़ करना है और अब मैंने ओके करना है। बहुत फनी पिक्चर आई है बट आई थिंक दिस इज़ फाइन। तो 8 यूरोस का है जैसे मैंने बताया था। नाउ आई विल डू द पेमेंट। सो दिस पिक्चर इज हियर एंड आई लुक वेरी वियर्ड बट आई थिंक इट्स ओके। सो दिस इज मेज़ॉन इंटरनेशनल एंड इफ यू आर इन लील यू हैव टू कम हियर, इफ यू आर इन सम अदर पार्ट ऑफ फ्रांस देन यू हैव टू फाइंड द इंटरनेशनल ऑफिस फॉर यू बट यू हैव टू कम हियर विद ऑल योर डॉक्यूमेंट्स एंड योर 3 स्टेप्स नीड्स टू बी डन। सो अब जाके मुझे सारा प्रोसेस समझ आ चुका है और अब मैं आपको थोड़ा सा समराइज़ कर देता हूँ कि आपको क्या क्या करवाना है। सो अगर आपका वीज़ा 3 मंथ से कम का लगा हुआ है तो आपको आपकी जो रेजिडेंस परमिट है वो मैन्युअली होगी और ये लोग आपकी फ़ाइल बनाएंगे और आपकी फ़ाइल भेजेंगे आगे, जिससे आपको 2 महीने भी लग सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं 2 महीने लगेंगे, कुछ लोग कहते हैं 6 मंथ्स लगेंगे, तो मुझे नहीं पता अभी कि कितना टाइम लगेगा, वो तो जब होगा तो मैं आपको बता सकूँगा। बट ये फ़ाइल भेजेंगे, मैन्युअली होगा 3 मंथ से कम वालों का और उसमें आपको पासपोर्ट, वीज़ा और आपका ये बेसिक चीज़ें, रेजिडेंस का जो वो है आपका प्रूफ है वो होना चाहिए और आपको एक फ़ोटो या जो मेट्रो स्टेशन होते हैं उस पर एक फ़ोटो मेटोन का वो होता है कियोस्क होता है, उसमें आप जाके अपनी तस्वीर खिंचवाते हैं, एक सर्टन फॉर्मेट है जो आपने इस वीडियो में देखा है। सो उसके तरीके से आपने 8 यूरोस का बनाना है, वो आप प्रिंट उसी वक्त हो जाता है इंस्टेंटली और वो इनको जमा कराना है। और इसके अलावा जो जनरली मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए थे उसमें आपके सोशल सिक्योरिटी नेक्स्ट स्टेप है। सोशल सिक्योरिटी में आपका एक डॉक्यूमेंट है रेजिडेंस परमिट। सो जब आपका रेजिडेंस परमिट बन कर आएगा तो वो आप सोशल सिक्योरिटी कंप्लीट कर सकेंगे, लेकिन आपको फर्स्ट 3 डॉक्यूमेंट्स
पर ही आपका बन जाता है टेम्प्रेरी सोशल सिक्योरिटी. विद इन अ वीक मेरा आ गया था और अब मैं इनकी हेल्थ फैसिलिटीज़ यूज़ कर सकता हूँ, पब्लिक वाली भी. और इवन दो मेरे पास इंश्योरेंस है, तो अब अगर ना भी होती इंश्योरेंस तो 70% मेरी हेल्थ कवरेज फ्री है पब्लिक में. बट विद मेरी इंश्योरेंस की वजह से 100% पब्लिक में फ्री है एंड प्राइवेट में रीइंबर्समेंट होती है. खैर वो तो डिफरेंट टॉपिक है. बट यहाँ के लिए मैंने जो सारे डॉक्यूमेंट्स शुरू से एंड तक बताए हैं वो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं. और वीडियो में आपको काफ़ी आप बार मैंने रिपीट भी किया है. तो आपको बैंक अकाउंट चाहिए, रेजिडेंस का फॉर्म चाहिए. अच्छा, MES सर्विस अगर आपने आपका ऑनलाइन बना हुआ है तो उसमें क्रूज़ का एक और फॉर्म भी होता है, वो आपने डाउनलोड करना है. और उसमें आपकी बाकी चीज़ें लिस्टेड हैं. तो काफ में ये लोग ही आपके लिए अप्लाई करे होंगे, सो आपको इतना कुछ करना नहीं है, ये आपसे डॉक्यूमेंट निकलवा लेंगे. सो पहले से फॉर्म डाउनलोड हो तो ईजी रहता है. और पूरी फाइल आप बना के रखें, स्कैंड वर्जन सारी चीज़ों के रखें अपने मोबाइल में. फिज़िकल फॉर्म रख लें तो सही है, बट इनको एंड में अपलोड ही करना होता है, तो इनके पास स्कैनिंग फैसिलिटी है. सो आप जस्ट इसको वो कर सकते हैं, ईमेल कर दें इनको जब आपसे मांगे. तो ये सारी डॉक्यूमेंट्स हैं. ये काम थोड़ा सा हेक्टिक है, बट जितना जल्दी कर लें उतना अच्छा है. सो दैट्स ऑल एंड गुड लक फॉर योर प्रोसेस. और अब मेरा प्रोसेस शुरू हो चुका है, सो लेट्स सी कितना टाइम लगता है. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.